मतलब वही ना, बाबा साहब ने यही तो कहा था कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। और वो कहा था उन्होंने शौर्य स्तंभ के पास कि आप भेड़ बकरी की औलाद नहीं हो, आप शूरवीर हो, देखो आप, आपके पूर्वजों ने क्या किया। आपका गाना भी अत्याचार की ऐसी तैसी चोट, दे दनादन दे दनादन दन, अत्याचार की ऐसी की तैसी चोट। तो सनी लियोनी का क्या सिर्फ एक गाना है या वो एक कैरेक्टर है फिल्म में? कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि सनी लियोनी को आपने क्यों लिया, क्यों कास्ट किया, क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप इनको देखेंगे इनको इस फिल्म में तो लगेगा कि इनके सिवा दूसरा कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। कौन से ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं जो हमें इसमें आपकी फिल्म में देखने को मिलेंगे? क्योंकि बस एक जानकारी है कि 500 बनाम 28,000 की लड़ाई थी। सहते रहे और फिर ये ज्वालामुखी फटा और इस ज्वालामुखी का नाम है द बैटल ऑफ नागपुर। तो एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये दरअसल अंग्रेजों की जीत का जश्न मना रहे हैं आप लोग। और जब बाहर से आने वाला व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि भाई आपके हाथ का पानी भी मैं पी लेता हूँ, आपको गले भी लगाता हूँ, आप मेरे भाई हो, और दूसरा आपका अपना जो है ये कह रहा है कि साले तुम तो ऐसे लोग हो, है ना, सॉरी आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। मुझे लगता है एक फिल्म तो आपकी जिंदगी पे भी बन सकती है। खैर वो देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन अम्बेडकरवादी कभी हारता नहीं। जैसा मैं चाहूँगा कि मेरी मौत भी अम्बेडकरवादी के रूप में ही होगी, आखिरी शब्द भी मेरे मुंह का जुबान का वही निकलेगा। जय भीम, 500 रुपये का एक VIP पास आपको करोड़पति बना सकता है, और आपने भी दो पास लिए। मैंने दो पास, हाँ दो पास लिए, तो आपके लिए भी अवसर है करोड़पति बनने का। आप करोड़पति होंगे, आप मतलब पहले ही करोड़पति है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। नहीं अभी तक। चलो ठीक है, तो बन सकते हैं आप तो। कलेक्शन करने का तरीका निकाल रहे हैं सर। देखिए क्या, कलेक्शन करने का मुझे शौक नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं थी।